नीलम स्वागत करती हूं आपका नमस्कार न्यूज में। बीते समय में देखा होगा आपने कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस वाले और हॉकर्स के बीच में झड़प देखने को मिल रही है, तो इसी बात की जानकारी लेने हम आए हैं डीएन नगर थाने में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स। तो सर, हम जानना चाहेंगे जिस तरह की झड़प देखने को मिली है हॉकर्स और पुलिस वालों के बीच में, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? डीएन नगर का वायरलेस रोड करके एक जुहूगली में एक इलाका है, वो इलाके में जुलाई 2016 में एक इंसिडेंट हुआ था फायर का। उसमें रास्ते पे पूरा रास्ता हॉकर्स और बाकी धंधे वालों ने कैप्चर करने की वजह से फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस या तो बाकी उनको मदद नहीं मिल पाई करके एक ही घर में से 9 आदमी जगह पे जल के मर गए। और वो इलाका, वो जो रास्ता है पूरा गिलबट हिल जाने आने के लिए, वहाँ से बहुत से छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें या फिर बीमार लोगों के लिए जाने के लिए या कूपर हॉस्पिटल की तरफ, बॉम्बे की तरफ जाने के लिए उनको वो रास्ता आसान पड़ता है करके उसी रास्ते से बहुत से लोग जाते हैं। और रोड बार बार हॉकर्स कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर या धंधे वाले। तो ऐसे ही कल ऐसा इंसिडेंट वापस बार बार ना हो, ऐसे ही कोई फायर का या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसको रास्ता इमीडिएट फायर ब्रिगेड को या बाकी एम्बुलेंस को उसको रास्ता मिले करके हम उसको रास्ता क्लियर करने के वजह से कल जॉइंट बीएमसी और पुलिस का कार्रवाई था। 6:30 बजे हम निकले थे, 7:30 बजे के आसपास वो एक जुलाई 2017 में जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था वफा मेडिकल्स, तो वहाँ पे उसी के सामने कुछ चाइनीज की गाड़ियाँ, कुछ धंधे वाले, कुछ भाजी वाले, कुछ मिठाई वाले, ऐसे उन्होंने पूरा रोड कैप्चर किया था। रिक्शा वाला भी जाना वहाँ से, उनको मुश्किल था। तो कार्रवाई करते टाइम वहाँ पे कुछ लोगों ने उसको विरोध जताया तो कुछ हम एक ग्रुप में उनको समझाने लगे थे कि मतलब ये कार्रवाई करना क्यों जरूरी है, क्या है यहाँ से। उसी मीन टाइम हमारा एक ऑफिसर बाजू बीएमसी के कर्मचारी के साथ में था, तो जब इन्होंने हंगामा शुरू किया तो हमारा ऑफिसर उसको रोकने गया तो वो लोगों ने उसको मारपीट की, उसको नीचे गिराया। और हमको मालूम पड़ा कि हमारा ऑफिसर को मार रहे, तो हम वहाँ पे जाके उसको पहले रेस्क्यू किया और जो मार रहे थे उनको गाड़ी में बिठाते टाइम पे वो गाड़ी में बैठने के तैयार नहीं था। जब भी का वो कल का जो क्लिप दिखा रहा है वो है, और उसमें ऐसा कुछ पुलिस ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। वो अभी जो उसमें जो इंसिडेंट में थे उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किए, कोर्ट में उन्होंने कोई हमको मारा करके ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं किए। क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे पुलिस वाले हैं उनके ऊपर क्या होता है, जानवान की भी हानि हो जाती है, जैसे ऐसे कोई हंगामे होते हैं, दंगे होते हैं तो आम जनता भी हमला कर देती है पुलिस वालों पर, लेकिन पुलिस वालों के क्या पास क्या ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं होते कि वो भी अपने ऊपर जो हमला हुआ है उनका वीडियोज़ बना सके, जिस तरह से आम जनता पुलिस वालों के वीडियोज़ बनाती है? ये जनता उसमें से कोई सामने आ जाता है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन पुलिस कार्रवाई पुलिस में करना चाहिए। लेकिन जब हम कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हमें पहला हमारा आदमी को बचाने का कोशिश करते हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने का बाजू में रखे। तो इस टाइम हमने वैसा कोई वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग किया नहीं है, और उन्होंने जो वीडियो वायरल किया है वो खाली उसको गाड़ी में बिठाते टाइम का रखा किया हुआ है। जो हमारे ऑफिसर को मारा, उन्होंने मारपीट की, उसको जो इंजुरी हुई उसके बारे में उन्होंने वीडियो दिखाया नहीं है, वो अपने सेफ्टी के लिए उन्होंने बनाया था। तो सर, इतनी झड़प की नौबतें क्यों आती है, तो आप ये क्या बोलना चाहेंगे कि इस लेवल तक नौबत आ जाती है कि झड़प तक बात पहुंच जाए? क्या बीएमसी प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर रही है कि हॉकर्स इतना जगह पर घेरा लगा लेते हैं, ट्रैफिक हो जाता है, तो क्या बीएमसी प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है? बीएमसी अपना काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन क्या है कि अभी हॉकर्स ये ऐसा है कि लोग हैं कि उनको उसी के ऊपर उनका पेट चलता है, तो बीएमसी आए तो कार्रवाई को उनको फेस कर देते, वापस उसी रोड पे आ जाते, वापस उसी जगह पे बैठ जाते। तो वो जगह सिक्योर करने के लिए ना बीएमसी के पास इतना मैन पावर है ना पुलिस के वहाँ से निकल जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, पुलिस वहाँ पे पहुँचेगी तो भाग जाएंगे, ऐसा होता रहता है। सर, अब इधर कर लेंगे थोड़ा सा।